राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अपन जनरल रिलेटिविटी की बात कर रहे थे और जनरल रिलेटिविटी में अपन ने पहला टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलेंस, जिसकी तुल्यता का सिद्धांत, जिसमें अपन ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल मास और जो इनर्शियल मास जो किसी भी बॉडी पर जो कार्यरत होता है उसके बारे में तुलना की जाती है कि एक बॉडी पर लगा हो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है और इनर्शियल फोर्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। तो द ग्रेविटेशनल मास इज द कोफिशिएंट व्हिच डिटरमाइन द अट्रैक्टिव फोर्स बाय ए बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड देन बाय न्यूटोनियन थ्योरी द ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास इज इक्वल। ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात एम आई इज इक्वल टू एम क्यू। अब देखो लास्ट इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, तो ये तो ये होगा एम आई इक्वल टू एम क्यू। तो एम आई डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू एम क्यू इंटू, ये क्या था अपने पास है? इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, ये था अपने पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। क्योंकि अब ये देखो ये कैसे आ गया अपने पास एम आई डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये किसकी बात हो रही है, इनर्शियल मास। एम आई क्या है अपने पास है? ये है इनर्शियल मास। एम क्यू क्या है अपने पास? ग्रेविटेशनल मास है। आप देखो यहां से जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं, ये फोर्स से इक्विवेलेंस हो तो एफ इक्वल टू एम ए, ये होता है एम, तो क्या होता है इस बॉडी का मास होता है। ए लेते हैं अपन, क्या लेते हैं एसलरेशन, यहाँ पर एसलरेशन क्या मान रखा था अपन ने, अल्फा, अल्फा मान रखा था, तो क्या आ जाएगा एम अल्फा, तो एम इज एफ इज इक्वल टू एम अल्फा, और अल्फा एसलरेशन है एम क्यू इंटू जी। तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है, एम तो क्या हो गया इसका मास हो गया, जी क्या हो गया अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वीय त्वरण लगता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम जी, पृथ्वी द्वारा जो लगाया गया क्या है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या होता है एफ इज इक्वल टू एम जी। ये किसकी बात हो गई, ग्रेविटेशनल मास की। अब यहाँ से एम आई डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ये था, ये तो क्या हो गया अपने पास इनर्शियल मास। अब जो ये डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर है ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की, जो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, क्या होता है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में परिवर्तन की जो दर होती है वही क्या कहलाती है अपने पास एक्सेलरेशन। यहां पर क्या है वेलोसिटी वी, पर क्या माने डी एक्स बाई डी टी, तो इसमें क्या करें परिवर्तन करें यानी डी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा अपने पास डी टू एक्स बाई डी टी।
और ये वैल्यू किसकी है, अल्फा की। तो बताओ एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम आई अल्फा, क्योंकि न्यूटोनियन थ्योरी से क्या था, एम आई इक्वल टू एम क्यू, मास तो दोनों के बराबर थे, तो ये क्या हो गया एम आई की जगह था एम आई, और ये क्या हो गया डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर और एम क्यू, और यही क्या था अपने पास तुल्यता के लिए जो फॉर्मूला था एम आई डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आइंस्टीन फॉर्मुलेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। क्या आइंस्टीन ने जो ये तुल्यता का जो सिद्धांत दिया था इस पर एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसके जो निष्कर्ष दे, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बॉक्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उसके तीन क्या किए थे निष्कर्ष जो अपन अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, उससे पहले इसको नोट कर लो। ये मैंने समझा दिया है इसमें एम आई एम क्यू क्या है, नेक्स्ट देखो आइंस्टीन फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस नेक्स्ट है आइंस्टीन फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस एज फॉलोज। आइंस्टीन ने जो तुल्यता जो सिद्धांत दिया था उसके जो निष्कर्ष हैं उनको किस प्रकार से डिफाइन किया है वो देखो। द ग्रेविशनल एंड इनर्शियल मास फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी द ग्रेविशनल एंड इनर्शियल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर लोकली इक्विवेलेंट एंड आर लोकली इक्विवेलेंट एंड इनडिस्टिंग्विशेबल विच वन अनदर आइंस्टीन ने जो तुल्यता सिद्धांत दिया था उसका फर्स्ट ही है अपने पास जो निष्कर्ष था वो था द ग्रेविशनल एंड इनर्शियल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर लोकली इक्विवेलेंट एंड इनडिस्टिंग्विशेबल विच वन अनदर। आइंस्टीन के अनुसार जो अपने पास किसी भी बॉडी पर जो कार्यरत जो ग्रेविशनल फोर्स है गुरुत्वीय बल एंड इनर्शियल फोर्स जो जड़त्वीय बल है
एक्टिंग ऑन ए बॉडी जो कि कोई भी बॉडी पर कार्यरत है एक साथ, आर लोकली इक्विवेलेंट सामान्यतः क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एंड इनडिस्टिंग्विशेबल और क्या है, पृथक रूप से विचार करने योग्य, यानी कि इन पर पृथक रूप से अलग अलग विचार करने की आवश्यकता नहीं है दोनों। अभी पीछे अपन ने सिद्ध भी किया था कि एम आई इक्वल टू एम क्यू, ग्रेविशनल मास इज इक्वल टू इनर्शियल मास है, तो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है पृथक विचार न करने योग्य होता है, पृथक विचार न करने योग्य, कि एक दूसरे से पृथक विचार करने योग्य नहीं है, और क्या है लोकली इक्वल। और आइंस्टीन ने यह चीज क्या की, प्रूफ की है, आइंस्टीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस रिजल्ट इन हिज जो मोस्ट एक्सपेरिमेंट था उसका, इसको नाम है बॉक्स एक्सपेरिमेंट। तो उसने किस में प्रतिपादित किया था इनको, जो बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर इसको प्रतिपादित किया था, ये उसको साबित किया था, डेमोन्स्ट्रेटेड देखो ये लिख देता हूँ, आइंस्टीन डेमोन्स्ट्रेटेड, आइंस्टीन डेमोन्स्ट्रेटेड दिस बाय हिज फेमस बॉक्स एक्सपेरिमेंट, बाय हिज फेमस बॉक्स एक्सपेरिमेंट। आइंस्टीन ने यह रिजल्ट उसके जो प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है जो उसने बॉक्स पर एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इसको प्रतिपादित किया था या डेमोन्स्ट्रेटेड या क्या किया था, इसको सत्यापित किया था, साबित किया था, नोट कर लो इसको, कि द ग्रेविशनल एंड इनर्शियल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर लोकल इक्विवेलेंट क्या होते हैं, सामान्यतः बराबर होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल विद वन अनदर, जो कि एक दूसरे के पृथक विचार करने योग्य नहीं है। आइंस्टीन डेमोन्स्ट्रेटेड दिस बाय हिज फेमस बॉक्स एक्सपेरिमेंट, आइंस्टीन ने यह उसके जो प्रसिद्ध जो एक्सपेरिमेंट था जिसको बोलता है बॉक्स एक्सपेरिमेंट उसमें उसको क्या किया था, प्रतिपादित किया। अब इसके जो रिजल्ट हैं वो देखो, अमेजी ने बॉक्स एक बॉक्स की कल्पना की थी उसने, विच इज फिक्स्ड ऑन द अर्थ जो कि अर्थ पर क्या है फिक्स था, एंड फ्रॉम विच नथिंग कैन बी नोन, एंड फ्रॉम फ्रॉम Which nothing can be known,
विच नथिंग कैन बी नोन, ऑफ व्हाट हैपन्स आउटसाइड इट, ऑफ व्हाट हैपन्स आउटसाइड इट। इमेजिन ए बॉक्स विच इज फिक्स्ड ऑन द अर्थ, कि उन्होंने क्या कि एक बॉक्स की कल्पना की, आइंस्टीन महोदय थे। इमेजिन ए बॉक्स विच इज फिक्स्ड ऑन द अर्थ एंड फ्रॉम विच नथिंग कैन बी नोन ऑफ व्हाट हैपन्स आउटसाइड इट, कि उसके बाहर की तरफ क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। जैसे बॉक्स है, अपारदर्शी बॉक्स की कल्पना की जिसके बाहर क्या हो रहा है, जो अंदर बैठा जो प्रेक्षक है उसको मालूम नहीं होता है। और जैसे बाहर से देखे तो बाहर से उस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, उस क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके बारे में नहीं कि। तो ऐसे बॉक्स की क्या की थी उन्होंने कल्पना की हमें, एंड द ऑब्जर्वर इन द बॉक्स इज ऑक्यूपाइड एंड the observer in the box is occupied, yani susajjit bole isko, equipped with a laboratory in which he can make a experiment, in which he can make a experiment, कि जो आइंस्टीन ने एक ऐसे बॉक्स की कल्पना की जो क्या है अपारदर्शी बोले या फिर उसके बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं पता चल रहा। एंड द ऑब्जर्वर्स इन द बॉक्स इज एक्यूपेड विद ए लेबोरेटरी, और जो ऑब्जर्वर है जो उस बॉक्स के अंदर वो एक प्रयोगशाला से सुसज्जित है, यानी कि उसके पास वे सारे उपकरण हैं जिसके द्वारा वे क्या कर सकता है, कोई भी प्रयोग जो एक्सपेरिमेंट जो उसे करना है वह है, उसका एक्सपेरिमेंट कर सकता है, वो सारी सामग्री उसमें उपलब्ध है। लेबोरेटरी का मतलब क्या होगी, लेबोरेटरी होगी तो उसके अंदर क्या है, सारे सामान होंगे जिनसे क्या कर सकता है, वो प्रैक्टिकल कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। In which he can make an experiment, in which he can make an experiment, कि जिसके अंदर वो क्या कर सकता है, एक लैबोरेटरी है उसके अंदर, उसके अंदर वो क्या कर सकता है, एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है। तो नोट कर लो इसको।